आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मस्त पुलाव की बहुत ही बढ़िया रेसिपी। तो कितनी बार ऐसा होता है जब शाम का टाइम होता है तो हमारे पास काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी हेल्दी चीज़ बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। बट ऐसे में मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा ये पुलाव, जिसको खिचड़ी भी बोला जाता है, वो बनाती हूँ। इसकी मुझे पहले से तैयारी नहीं करनी होती है, बस मैं स्टोव पर कुकर चढ़ा देती हूँ और साथ के साथ इसकी तैयारी करने लगती हूँ। और आप यकीन मानिए, ये खिचड़ी यानी ये पुलाव बनके इतना टेस्टी, इतना बढ़िया तैयार होता है कि आप जब बनाओगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा टेस्टी है। इस पुलाव को बनाने के लिए मैं किसी भी मसाले को पीसने का काम नहीं करती हूँ। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है हम किसी किसी रेसिपी की तैयारी बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन वही रेसिपी हमारी सबसे ज़्यादा फ्लॉप यानी बेकार हो जाती है। और कभी कभी काम की जल्दबाजी में हम कुछ रेसिपी या कुछ डिश ऐसी बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो उनमें से एक रेसिपी मेरी पुलाव भी है। इसको मैं किसी भी तरीके से बना लूँ जल्दबाजी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आपको मैं सच बताऊँ तो जब मैं इसकी पूरी प्रिपरेशन करती हूँ तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। पता नहीं मेरी साथ ही ऐसा होता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है। सर्दियाँ आ चुकी है, अक्सर 90% लोगों के घर में शाम के टाइम में ये खिचड़ी यानी पुलाव ही बनता है, तो इसको बहुत ही आसानी से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टोव को ऑन कर दिया है और यहाँ पर कुकर रख दिया है गैस का फ्लेम लो करके। तो जब तक हमारा कुकर हल्का सा गर्म होगा हम यहाँ पर लहसुन और प्याज वगैरह काट लेंगे। कुकर हल्का सा गर्म हो चुका है, इसमें 2-2.5 चम्मच के जितना सरसों का तेल डालेंगे और तेल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। तब हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता जिसको मैं यहाँ पर तोड़ के डाल रही हूँ। और अब हम यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 3-4 काली मिर्च के दाने, थोड़ा सा जावित्री का फूल, और इनको हम भून जाने देंगे। जब ये हल्के से भून जाएंगे हम यहाँ पर कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। तो लहसुन को हम प्याज डालने से पहले ही डालेंगे ताकि ये अच्छे से भून सके। लहसुन को हमें अच्छा ब्राउन कर लेना है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाता है इसका पुलाव भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। लहसुन भी हमारा यहाँ पर भून चुका है। अब हम यहाँ पर एक मीडियम से साइज़ की प्याज को काट के डाल देंगे और प्याज को हमें लाइट सा भून लेना है, प्याज को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो 2 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को भूनेंगे और जब ये अच्छे से हमारे इस तरीके से ब्राउन नज़र आने लगेंगे हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बढ़ा देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू, कटे हुए टमाटर और 2-3 हरी मिर्च। तो इन सभी चीज़ों को मैंने साथ में ही डाल दिया है। आप नोटिस कीजिएगा मैंने यहाँ पर किसी भी सामान को अलग अलग नहीं डाला है। 2 से 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई करते हुए इन्हें अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, आलू भी हमारे कुछ हद तक कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मैं चावल लूँगी, तो 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से मिर्च डाली है और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। अच्छे से मिला देंगे और 1 मिनट के लिए इनको फिर से भून लेंगे। और अब हम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला या फिर आप पुलाव मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने गरम मसाला डाल दिया है और डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे। और अब हम यहाँ पर चावल ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 1.5 कप चावल ले रही हूँ। 1.5 कप मैंने चावल लिए हैं, तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। चावल को मैंने भिगोया नहीं है, साथ के साथ ही धो के यहाँ पर डाल दिया है। अच्छे से पहले इसको मिला देते हैं और लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी डाल दिया है। जैसे मैंने 1.5 कप चावल लिए थे उसका मैंने 2.5 कप पानी लिया है। और जब मैंने यहाँ पर पानी डाला है तो वीडियो कैप्चर नहीं हो पाई है, बट जैसे मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी डाल दिया है इसको हम हल्का सा मिला देते हैं और इसका हम ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगा के इसमें 2 सीटी लगाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा यानी 5 लीटर का कुकर है, तो मैं इसमें 2 सीटी लगाती हूँ और 2 सीटी लगाने के बाद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ। तो मैंने इसको 5 मिनट के बाद खोल दिया है। ये देखिए बिल्कुल हमारे खिले खिले बहुत ही बढ़िया पुलाव बनके तैयार हो चुके हैं। मिक्स कर देते हैं इनको हल्का सा, और जब हल्के से जब ये ठंडे हो जाएंगे ना बिल्कुल एक एक दाना हो जाता है। अभी भी आपको थोड़े से ये वैसे नज़र आ रहे होंगे, मतलब थोड़े से लिसली से, बट ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए देखते ही ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत टेस्टी बन रहे हैं और खाने का मन कर रहे हैं। तब यकीन मानिए ये पुलाव यानी ये खिचड़ी, हम इसको यूपी स्टाइल में खिचड़ी ही बोलते हैं, पुलाव बना ले बिरयानी बना ले सीधा अपनी खिचड़ी ही चलती है, बट ये पुलाव बनके बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। यहाँ पे मैंने मलाई ली है जो हम दूध के ऊपर से उतारते हैं। तो आप इस पुलाव को इस मलाई के साथ खाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको खाने में और कैसा बना आपका पुलाव। तो यहाँ पर ये कान्हा जी की थाली लग के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने कान्हा जी की छोटी सी थाली ली हुई है, तो सबसे पहले खाना उन्हीं का निकलता है। और बस हमारा बहुत ही बढ़िया मस्त पुलाव बनके तैयार हो चुका है। बस टोटल पुलाव को बनने में 7 से 8 मिनट लगी है।
आई होप आज की छोटी सी रेसिपी दोस्तों आपको पसंद आई हो। यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।